हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, जैसा कि जानते हैं आज दीपू को स्कूल भी जाना है, लेकिन वैसे भी मैं सुबह उठती तो इतने ही टाइम पे हूँ, और उठ के वही काम करने का थोड़ा सा समय इधर उधर आगे पीछे होगा, बाकी तो चीज़ें वही हैं। तो बस ऊपर गई और ऊपर से थोड़ा सा बस ऐसे ही घूमा थोड़ा सा एक दो बार, क्योंकि वॉक करना बंद कर दी हूँ जब से बारिश हो रही है। और लेमन ग्रास लेके आई हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे हम लेमन ग्रास की चाय पीते हैं, तो बस वही डाल दिया। एक तरफ चाय बन रही है और इधर आलू रख दिए हैं, क्योंकि दीपू को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, तो मैंने कहा चलो इनकी ही पसंद के पराठे बना देती हूँ, क्योंकि इतने दिनों के बाद स्कूल जा रही हैं। और साथ में चाय, और सुबह उठ के पहले तो मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी। वो पानी वगैरह पीने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद, ये सारे काम फिर अब शुरू हो गए हैं, तो बिस्तर समेटना ज़रूरी होता है। अच्छा नहीं मानते, वैसे भी उठने के बाद अगर बिस्तर खाली है, टाइम है, तो बिस्तर सही कर देना चाहिए, भले ही झाड़ू पोछा आप बाद में करें। तो मैंने बस बिस्तर, मैंने कहा चलो सही कर देती हूँ, और झाड़ू भी मैं लगाती हूँ, क्योंकि घर गंदा गंदा, मेरी आदत है कि सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे सारे ही मैं बिस्तर सही कर ले रही हूँ, और पोछा तो बाद में ही लगाती हूँ जाने के बाद, क्योंकि कितना भी हो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आगे आगे से दोबारा मैं झाड़ू लगाती हूँ, और नहीं तो बस जैसे ही झाड़ू लगा दिया और घर एक बार साफ हो गया। और इधर मेरे आलू बॉयल हो चुके थे, तो मैंने उसको खोल दिया है कुकर को, ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं, जब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा के आऊँगी तो फिर आलू के पराठे की तैयारी होगी। और यहाँ पे बस मेरी झाड़ू लग जाएगी पूरे घर में, ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि सुबह की जो झाड़ू होती है हम थोड़ा अच्छे से लगाते हैं, और उसके बाद दोबारा अगर हमें ज़रूरत है तो आगे आगे भी लग जाएगी, लेकिन सुबह के टाइम वाली जो झाड़ू होती है अंदर अंदर तक, और सुबह घर भी काफ़ी फैला होता है, कितना भी समेटते हैं घर, जैसे रात में कुछ चीज़ें इधर उधर रह ही जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें समय जगह पर रखना, उसके बाद अच्छे से झाड़ू लगाना, ये सारे काम मेरे बस सुबह सुबह के हो रहे हैं। तो बस दीपू को उठा दिया है, और उठेंगे, 1 घंटे का टाइम लगेगा इनको तैयार होने में, तो 7 बज रहे हैं, 8 बजे तक तैयार हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया है, पराठे की तैयारी शुरू हो गई है। आटा लगाऊंगी सबसे पहले, तो आटे में थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डालूंगी, वैसे आप इसमें 2 चम्मच ऑयल भी डाल सकते हैं, अच्छा रहता है, लेकिन मैंने ऑयल नहीं डाला है, सिर्फ ऐसे ही नमक और अजवाइन डाल के ही आटा लगा लूँगी। और हमेशा आलू के पराठे, कोई भी पराठा होता है, उसका आटा तो जानते ही आप लोग कि थोड़ा सा गीला सा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू मैश कर लिए, उसमें डाला है थोड़ा सा नमक, उसके बाद अमचूर पाउडर, ये है धनिया और जीरा जो मैं हल्का सा भूज के फिर कूट के डाली हूँ दरदरा सा, और उसके बाद हरी धनिया डाल दी है, उसके बाद इसमें लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा थोड़ा सा बस ये डाल दिया है। और इनको डालने के बाद मैंने मिर्ची कूट के रखी है, हमेशा मैं मिर्ची कूट के डालती हूँ, क्योंकि बच्चों के मुँह में पड़ जाती है तो फिर ये लोग थोड़ा सा खाना कम पसंद करते हैं। और बीच में लाइट चली गई थी जब मैं बना रही थी, अभी अभी बस लाइट आई है, तब भी मेरे काम तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि काम नहीं रोक सकते हैं, लाइट आए चाहे जाए हो ही रहा है। और बस आलू मिला के रख दिए, उसके बाद आटे को बस ऐसे भिगो के रख दिया था मैंने, तो उसमें फिर से दोबारा से थोड़ा सा आलू वाले हाथ से ही उकर दिया, तो आटा भी लग गया है और वो भी हो गया है। इधर दीपू तैयार हो गई थी, तो मम्मी चोटी बांध दो, इनके स्कूल में मतलब ऐसे नहीं जा सकते, बहुत छोटे बाल हैं तब आप मतलब ऐसे जा सकते हैं बच्चे हेयर बैंड लगा के, और नहीं तो चोटी ज़रूरी है बांधना, तो बस चोटी इनकी बांध दी हूँ। और
बस दोबारा से फिर आ गई हूँ मैं किचन में और चाय भी मेरी बन चुकी है। चाय मैंने चढ़ा दी थी पहले ही और यहाँ पे आलू बस भर के आलू के पराठे बन जाएंगे। और आप लोगों में से किसी ने पूछा भी था, मतलब बोल रहे थे कई बार से 8 बजे तक कैसे मैनेज करें, सारे काम को बच्चों को स्कूल भेजना है या फिर सारी तैयारी सुबह की मॉर्निंग में कैसे करते हैं। तो इस तरह से अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं तो आपके काम आसानी से सारे टाइम पे हो जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह का देखिए नाश्ता भी बन गया है, सफाई भी हद तक हो ही गई है। पोछे का काम वो मैंने जानबूझ के लेट किया, नहीं मतलब नहीं करती हूँ, नहीं तो वो भी लग जाता। पोछा मैं जाने के बाद थोड़ी देर बाद लगाती हूँ क्योंकि फिर घर साफ़ रहता है, जैसे बच्चे कितना भी तैयार होते हैं तो थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं थोड़ा सा, तो इसलिए सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ दिया था। और यहाँ पे दीक्षा भी थी तो मैंने दीक्षा को बोल दिया कि थोड़ा सा तेल लगा दो, तो पराठे मैं बेलने में लगी थी तो बस ऐसे ही खड़ी थी तो लगा दिया उसने तेल और ऑयल रिफाइंड ऑयल लगाया है मैंने। और यहाँ पे पराठा और चाय यही आज के नाश्ते में बनाया भी है मैंने, सभी लोग यही नाश्ता कर लेंगे। और नाश्ता टिफिन सब कुछ हो चुका है, उसके बाद दीपू तैयार भी हो गई हैं और बस दीक्षा जा रही हैं छोड़ने के लिए क्योंकि ये ड्यूटी जा चुके हैं, ये होते तो ये छोड़ देते पर अभी दीक्षा छोड़ देंगी। और पहले स्कूटी नहीं थी तो यही छोड़ के ही जाते थे। और यहाँ पे बस थोड़ी दूर पे है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है, तो अब दीक्षा छोड़ के आ जाएंगी और मैं अपने बाकी के काम अभी शुरू करूँगी इनको भेजने के बाद। तो आज बहुत एक्साइटेड भी हैं दीपू, बहुत खुशी खुशी जल्दी जल्दी नहाना धोना सारा कुछ तैयार हो गई हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद आप लोग जानते हैं स्कूल कितना, जब से कोविड हुआ था तब से बंद था और इनका देखिए लोअर छोटा हो गया है, तो अभी मैंने कहा चलो बहुत इसकी हाइट भी बढ़ गई इसलिए छोटा हो रहा था, मैंने कहा चलो अब नया लाऊंगी मैं बाद में जाके। और इनको भेजने के बाद आ गई हूँ फिर से ऊपर, यहाँ मैंने हल्का सा पानी गर्म किया है लगाया था, तो हमेशा मैं गुनगुने पानी में ही कपड़ा भिगोती हूँ क्योंकि बहुत ठंडा पानी होता है टंकी का, यहाँ पे बारिश डेली ही हो रही तो उसमें कपड़े थोड़ा सा जो घर के डेली वाले कपड़े हैं उनको थोड़ी देर भिगो दूंगी जब तक ये फूलेंगे। और क्योंकि फूलने के बाद जैसे कपड़े हम भिगो देते हैं तो जल्दी छूट जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सर्फ बस डाल के इसको भिगो दूंगी, कपड़े फूलेंगे तब तक मैं बाकी जैसे पोछा लगाने का काम है और भी कोई काम है अगर, तो क्योंकि बच्चों के जाने के बाद भी थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें फैल जाती हैं और मैं डेली कल के कपड़े नहीं धुल पाई थी क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो कल के भी कपड़े मेरे रखे हुए हैं, कल के और आज के सारे ही कपड़े मैं इसमें भिगो दूंगी और थोड़ी देर में बस कपड़े हाथ से ही धुल के डाल देती हूँ। हफ्ते में जैसे चद्दर और बहुत सारी चीज़ें चद्दर वगैरह जो होती हैं वही मैं वाशिंग लगाती हूँ उन्हीं के धुलने के लिए, उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं। और पोछा हमेशा मेरा किचन से शुरू होता है, यहाँ से शुरू करूँगी और पूरे घर में मतलब ऊपर से नीचे तक, और नीचे जो जहाँ पे हमारी स्कूटी खड़ी होती है यहाँ पे जिस टाइम पे वो झाड़ू मैंने लगाई थी घर में उस टाइम पे वहाँ धुलाई भी कर दिया था मैंने सुबह ही, तो वो पोछा बस लगाते चले जाएंगे, फटाफट से हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इस मॉप से आसान है, पहले हाथ से मैं लगाती थी उससे और जब से मॉप लिया है, आप लोग अगर मॉप लेना चाहते हैं, किसी ने नहीं लिया है वैसे तो आजकल सभी के घर में होगा मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि सब इससे बस हल्का सा कोनों में दिक्कत होती है, कोनों में नहीं ठीक से लग पाता, बाकी तो बेड के नीचे वगैरह कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ भी ये मॉप पहुँच जाता है और आसानी से लग जाता है पोछा। और यहाँ पर दीक्षा गई थी दूध लेने के लिए, सुबह हमारे यहाँ डेयरी से दूध आता है तो टाइम भी लगता है, वहाँ पे काफ़ी लाइन वगैरह लगती, भीड़ लगती है तो टाइम लग जाता है, तो दीक्षा दूध लेके आ गई है और मैंने बस पोछा लगा लिया है पूरे घर में। और सब कुछ करने के बाद फिर कपड़े वगैरह धुल के ही मैं नहाई हूँ, नहाने धोने के बाद आ गई हूँ मंदिर में और पूजा मतलब शुरू हो गई है। और आप लोगों ने मॉर्निंग में पूजा का डेली वाला रूटीन शेयर करने के लिए बोला था, तो मैं आगे कोशिश कर रही हूँ, किसी दिन सुबह का जल्दी जल्दी का टाइमिंग होता है तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो सुबह के सारे काम हो गए हैं, सारा सब कुछ साफ सफाई सारा काम, और घड़ी में बज रहे हैं इस समय 10:15 हो रहे हैं और नाश्ता भी बना लिया है, चाय और पराठा, आलू का पराठा और चाय,
बस अब यही होगा नाश्ता हम लोग करने जा रहे हैं। आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करते हैं। तो बस कपड़े भी डाल दिए हैं और उसके बाद ये आज धनिया थी, खड़ी धनिया जो मैं रखती हूँ, तो सुबह जब मैं धनिया पराठों के लिए निकाली थी तो देखा कि ख़राब हो रही है, तो मैंने कहा इसको धूप थोड़ी सी हो रही है, धूप अभी हुई तो नहीं थी, डाल दिया है मैंने। और उसके बाद फिर से आके किचन बर्तन जो भी था वो दोबारा से करके किचन क्लीन करके खाना शुरू कर दिया है। तो खाने में दाल मेरी बन चुकी है, पहले ही दाल चढ़ा दी थी, और इधर आलू प्याज की भुजिया बना रही हूँ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आज के खाने में सुबह तो आलू के पराठे बन गए थे नाश्ते में, और इसके बाद दाल चावल या आलू प्याज की भुजिया और रोटी, बस यही बनेगा। तो बस खाना भी मेरा तैयार ही हो गया है समझ लीजिए। तो दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज गए हैं, 12:20 हो गए हैं, और खाना वगैरह भी बन गया है, और अभी खाना नहीं हुआ है तो और सब काम होंगे अभी बाद में। मैंने कहा अभी इसी वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ये क्या है, एक सिंदूर है और एक काजल है। कल लाइट चली गई थी और मैं अंधेरे में ही अंदाजे से मैंने कहा कि ये एक सेम है, ऐसे टच करके मैंने देखा, मैंने कहा सिंदूर ही है, उठा के मैंने यहाँ पे काजल को लगाया, फिर जब शीशे में ध्यान से देखा काला काला हो रहा है, फिर मैंने सिंदूर लगाया। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि क्या बताऊँ, हंसी भी आ रही थी और मैंने कहा ये क्या कर लिया मैंने, काजल लगा लिया, फिर मांग पोछते भी नहीं, ऐसे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, फिर मैंने सिंदूर लगाया उसके ऊपर, तो हो जाता है। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक कर दिया करिए, आप लोग के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो ब्लॉग देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।